विपक्षी खेमे में मची हलचल के बीच बसपा की महातैयारी भी सुर्खियों में है। दरअसल 30 दिसंबर को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने तमाम मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष और पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक को नगर निकाय चुनाव से जुड़कर देखा जा रहा है। साथ ही साथ इस बात की भी उम्मीद है कि मायावती ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी पार्टी लाइन को साफ करेंगी और इसी बैठक में यह भी तय करेंगी कि क्या वो किसी महागठबंधन का हिस्सा बनेंगी या अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों को चुनौती देंगी। बसपा तैयार है सियासी रणभूमि में उतरने के लिए, मायावती बेकरार हैं। अब सिर्फ निकाय चुनाव की तारीख का इंतजार है। निकाय चुनाव पर पार्टी की रणनीति तय करने के लिए मायावती ने दिन और तारीख मुकर्रर कर दी है। 30 दिसंबर यानी शुक्रवार को साल खत्म होने से पहले मायावती हर कील कांटे को दुरुस्त कर लेना चाहती है। बैठक में बसपा के तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। मंडल कोऑर्डिनेटर से लेकर नए प्रदेश अध्यक्ष और सभी जिला अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश कार्यालय पर होने वाली बैठक में सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर होगा कि कोर्ट के फैसले के बाद निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति क्या होगी, साथ ही चुनाव में पार्टी किस ब्लूप्रिंट के साथ उतरेगी। फिलहाल बसपा सरकार पर आरक्षण वाला वार लगातार कर रही है कि हमको आरक्षण 1952 में काका कालरकर आयोग की रिपोर्ट आ गई, फिर 78 में हमारी मंडल कमीशन रिपोर्ट आ गई, लेकिन हमको 90 में दिया गया, 90 में पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। देश की आज़ादी के बाद जोड़ेंगे या 1952 पहली बार वोट पड़ा तब से अगर आप जोड़ेंगे तो ये जान लीजिए कि 90 में यानी 38 साल बाद बहुजन समाज पार्टी के नेता मानवर कांशीराम साहब मान्या बहन जी के बरदौलत तब इनको आरक्षण मिला था। ये निकाय चुनाव पर जैसे ही कोर्ट का फैसला आया था, मायावती ने भी ट्वीट करते हुए सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए थे और अब पार्टी की बैठक में विस्तार से भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि मायावती इस बैठक में निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा कर सकती हैं। माना जा रहा है कि बसपा दलित, मुस्लिम और ओबीसी रणनीति पर आगे बढ़ सकती है। मायावती ने इसी रणनीति के तहत ओबीसी वर्ग से आने वाले विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद को बड़ी जिम्मेदारी देकर मुस्लिम पॉलिसी पहले ही सामने कर चुकी है। सहारनपुर से इमरान मसूद की पत्नी को मेयर का प्रत्याशी भी घोषित किया जा चुका है, जबकि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली के अच्छे प्रदर्शन ने मायावती के विश्वास को अभी तक जिंदा रखा है। ये सच है कि बसपा के हाथ से दलित वोट धीरे धीरे कर बहुत ज्यादा फिसल चुके हैं और मायावती की कोशिश कहीं से भी ये नहीं दिखाई देती कि वो उस फिसले हुए दलित वोट को दोबारा अपने साथ जोड़ने की कोई मजबूत कोशिश कर रही है। वो भी तब जब मायावती की बसपा विधानसभा में सबसे बुरे दौर में है। हालांकि पार्टी के नेता मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखना नहीं भूले। कि हमारा कार्यकर्ता बहुत जोश में है, जब से बहन जी ने हमें जिम्मेदारी सौंपा पिछड़े समाज के बेटे को, पूरा पिछड़ा समाज, पूरा अल्पसंख्यक सारे लोग साथ आ रहे हैं और इस नगर पंचायत चुनाव में अच्छा रिजल्ट आएगा और आने वाली जो 24 का चुनाव होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी की ज्यादा सांसद जीत करके आएंगे, इस देश की प्रधानमंत्री माननीय बहन जी बनेगी। बात जब जब प्रधानमंत्री पद की होती है तो सवाल होता है क्या मायावती अकेले दम पर ऐसा करिश्मा कर सकती हैं या फिर 2024 में किसी के साथ सियासी दोस्ती भी करेंगी। ये सवाल इस वजह से खड़ा हुआ है क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से मायावती को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा गया, लेकिन बसपा के नेता मायावती के शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ेंगे, देश जोड़ेंगे वो जाने, हम पिछड़ा अल्पसंख्यक और न्याय पसंद लोग जोड़ने आया हूं, मैं उनको जोड़ रहा हूं। यानी मायावती ने अभी अपने सियासी पत्ते छिपा रखे हैं। 2024 में वो क्या फैसला लेंगी ये किसी को नहीं पता। विधानसभा चुनाव के वक्त भी कांग्रेस ने उन्हें साथ आने का न्योता दिया था, लेकिन मायावती ने उस न्योते को कबूल नहीं किया। अब इतना तो तय है कि मायावती 2024 के लिए जो भी फैसला लेंगी वो किसी को चौंकाएगा तो किसी को चुभेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।